अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली अतारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतारी आर्ट्स। जी फ्रेंड्स, आज हम एक रोज़ वाला डिज़ाइन तैयार करेंगे, जो उसके फूल छोटे छोटे बनाएंगे उसके साथ, जो हम सीलिंग पे भी तैयार कर सकते हैं, वॉल्स पे भी तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि एक छोटा सा बैलून लेना है, खाली बैलून। तो उसमें जो खेलने वाली छोटी सी गोली होती है, तो इस तरह से उसको गांठ कर ये हम इस तरह से इसको ये तैयार बना लेंगे। तो दूसरा जो है एक बोतल वाला ढक्कन जो है, उसको एक फुटबॉल को थोड़ा सा काट कर इस तरह से, तो यहाँ हमने एक रबड़ चढ़ा लेनी है। तो इसको दोबारा इसको हमने इस तरह से बना लेना है, ये वाला जाविया। तो इसको हम यूं करेंगे कि इसके लिए हमने कलर दो तीन चूज़ कर लेने हैं। तो उसके लिए हम एक अलग से कलर बना लेते हैं। पहले ये जो रोज़ कलर है, इसमें थोड़ा सा ये डाल लेते हैं। तो थोड़ा सा इसमें मिट्टी का तेल डाल के इसको हल कर लेना इस तरह से। तो उसके बाद भी आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से इसका तरीकाकार क्या करना है। हमने बिल्कुल इसको लिक्विड बना लेना है। इस तरह से हमने इसके में थोड़ी सी फूंक भर लेनी है। तो अब हम इसको कलर में थोड़ा सा लगा कर इस तरह से, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे। इस तरह से ये बिल्कुल छोटे छोटे से डॉट बन जाएंगे हमारे इस तरह। ये एक सिंपल जो है वो वॉल्स या इसको सीलिंग वाली छत जो तैयार करने के लिए सिंपल डिज़ाइन के लिए, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त डिज़ाइन है और इसको हम कहीं भी तैयार कर सकते हैं। इसमें हम और भी शेड्स इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। अभी इसको जो हमने ये रोज़ कलर क्रिम्जन जो शेड है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद जो है हम थोड़ा सा साइज़ इसका बिग कर लेंगे। ये जो पहले हमने ये जाविया तैयार किया था, इसमें थोड़ा सा साइज़ चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा एक पत्तियां छोटी छोटी सी बन जाएंगी। इस तरह से। और जो दूसरा शेड है वो हम इसको ब्लू शेड में थोड़ा सा इसी क्रिम्जन में थोड़ा सा डाल लेते हैं, तो ये थोड़ा सा कलर चेंज भी हो जाएगा और ये खूबसूरती में भी इजाफा कर देगा। तो इस तरह से इसको भी तैयार हमने कर लेना है। ये भी लिक्विड बन जाएगा। इसको भी हम इसी तरह से यहाँ टच करेंगे। इसको हम बिग साइज में बनाना चाहें तो तब भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक छोटी सी जगह के लिए इसको चूज किया है। इसको अगर हम डबल शेड देना चाहें तो तब भी हम दे सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हो जाता है इससे। Thank you.
एक पत्तियों वाली शेप देंगे नीचे से, एक बिल्कुल रियल पौधा बन जाएगा।